इसकी आंखें चेक करें यार, कैसी प्यारी है। तो ये खाना पीना शुरू हो गया, रोटेट होते रहते हैं, बड़े इनक्यूबेटर में ले मशीन के पास खड़े हैं और वो देखें हाइट दे। वाह जी वाह, ये देखें जी 28 अंडे एक तरफ आ रहे हैं, 28 और 28 और 28 अंडे की मशीन है ये देखें। हेलो, वाह इसकी आंखें चेक करें यार, कैसी प्यारी इन दोनों की है, ये देखें कैसी प्यारी प्यारी आंखें इनकी, मटक मटक वाली, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हो ये पट्टी यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज यार एक स्पेशल व्लॉग होने जा रहा है, हम लोग आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि आज अब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया और इन शुतुरमुर्ग के अंडे जो हैं हम लोगों ने एक ह्यूज टाइप के इनक्यूबेटर में लगाने हैं। और इनक्यूबेटर की वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, हम लोग वहाँ पर जाकर कुछ अंडे रखेंगे भी और आपको दिखाएँगे भी चला के। तो चले सबसे पहले हम लोगों इनको थोड़ी सी फीड करवाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं कमरे में और आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे, अंडे कैसे हमने किस तरह रखने हैं और कितने अंडे हम लोगों ने रख दिए हैं। अभी थोड़ी सी फीड डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों ये देखिए, अभी हम लोगों ने फीड करवा दी है इनको थोड़ी सी, तो ये खाना पीना शुरू हो गए। अभी मैं फीड ये आपको दिखाने के लिए ज़रा थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर जहाँ पर इनके अंडे लगते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी इनक्यूबेटर मशीन भी पड़ी हुई है, ऑलरेडी एग्स लगे भी हुए हैं कुछ और जो नए हैं वो भी आपको दिखाते हैं लगा के। तो चले आप अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यार वहाँ से अंडे लाने के बाद शुतुरमुर्गों से यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाता है इस पर बाहर ही, तो उसका ज़रा सा जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है फिर उसको उठा के फ्रिज में रखते हैं ताकि टेम्परेचर और मेनटेन रहे और ये रोटेट होते रहते हैं अंदर से। जैसा कि मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये अंदर फ्रिज टाइप की कूलिंग है, ये देखें यहाँ पे अंदर रोटेट होते रहते हैं कुछ देर के लिए, एक या दो दिन के लिए यहाँ पे रखे जाते हैं, फिर इनको उठा के फिर बड़े इनक्यूबेटर में लाया जाता है। तो चले मैं आपको वो बड़ा इनक्यूबेटर भी दिखाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी कुछ एग्स लगे हुए। यार अच्छा यार मैं आ गया हूँ, मेरे पीछे आपको इनक्यूबेटर नजर आ रहा है, देखें कितना ह्यूज साइज का है और इसमें अंडे भी हैं, वो टेम्परेचर भी चल रहा है। तो चले आपको अंडे भी दिखाते हैं, स्टील बाइजर कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं इसके बारे में, कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितने दिनों बाद अंडे निकलेंगे। अभी मैं आपको पहले मशीन दिखाता हूँ, ये देखें जरा, ये देखें यार पूरे कमरे में भरी हुई है यार, ये देखें माशाल्लाह। और इसका वो देखें ऊपर टेम्परेचर किट वगैरह चल रही है सारी, अभी इसमें सही तरह वाजे नज़र नहीं आ रहा मगर चल रही है, अंदर लाइट शाइट अंडे शंडे चल रहे हैं। तो अभी शील भैया या इनसे पूछे और खोल के भी आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, कितने देर अंडा हैच होता है, कितने टाइमिंग है सारा कुछ। और सबसे मेन चीज़ ये भी बताते हैं कि ये बच्चे अंडे कब मिलेंगे आपको। तो चलें अभी शकील भाई से मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी शकील भाई अस्सलाम वालेकुम, शकील भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है, से ठीक है। अच्छा शकील भाई मैं यार ये दिखाएं हमें और बताएं इसके बारे में थोड़ी डिटेल के साथ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मामला है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी शुरू कुछ दिन पहले ये हमने परचेज किया और कराची से मंगवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शकील भाई एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये देखिए आप खड़े हैं ना, तो ये आपके तो आपकी हाइट तकरीबन मेरा 6 फुट के, हाँ। अच्छा यार दे देखें शकील भाई, वैसे कैमरे में शायद आपको कुछ डाउट नजर आए मगर अभी पिछली मशीन आप दिखाएं ना इनको। हाँ तो ये देखें अभी शकील भाई उस मशीन के पास खड़े हैं और वो देखें हाइट देखें, ये कोई छोटी मशीन नहीं है, ये काफी बड़ी है, नजर में शायद कोई मसला आ रहा होगा। ये छोटी ये वाली मशीन, अच्छा ये देखें ये पहले ये थी, इसके पास देखें मैं फिर आता हूं, हाँ ये बराबर आ रही है। तो अभी मैं जब इस मशीन के पास आता हूं ना तो एकदम इतनी बड़ी मशीन नजर आती है, ये देखें माशाल्लाह दिल भी बड़ा खुश होता है। अच्छा शकील भाई आप हमें जरा दिखाएं अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, और ये देखिए माशाल्लाह बारिश से आप इसका डिस्प्ले देखें और ये सारा इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है सारा, डिस्प्ले में हमें ये बता रहा है इसके अंदर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी इसमें करंट कितनी है, और इसके अंदर जो फ्रेम लगा हुआ है उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं कि काफी रोटेट होना चाहिए, कितने सेकंड रोटेट होता रहता है, और उसके बाद इसके अंदर अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एग्जॉस्ट फैन कब चलता है ये भी हम आपको दिखाते हैं, तो ये भी बताते हैं कि इसके अंडे जो से हैं वो इस मशीन के अंदर कितने आ जाते हैं। अच्छा शकील भाई मुझे अंडे पहले दिखाएं, मुझे जरा ना वो हो रहा है दिल में कि मैं पहले अंडे देखूं जरा, हमने डोर ओपन किए
है। वाह जी वाह, ये देखे जी माशाल्लाह, हमने ना वाह अभी कम थे, ब्रीडिंग सीजन शुरू है बिल्कुल, इनका वेदर वगैरह चेंज हो गया, अभी ये अंडे लगे हुए हैं, हम ज्यादा देर तक इसको ऊपर नहीं। अच्छा भाई, जल्दी 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 जल्दी, कितने अंडे ट्रेन पर ही हुई है, जब इसके अंडे आखिरी दिनों में होंगे उसमें रखेंगे। अच्छा भाई, इसमें कितने अंडे आ रहे हैं सबसे पहले बताइए, सबसे ऊपर ट्रेन में 24, 28 अंडे एक तरफ आ रहे हैं, ये 28 और 28 और 28 देख लो, ये देखे ये सारे अंडे लगेंगे इंशाल्लाह, ये तकरीबन 200 कितने अंडे, 250 अंडे की मशीन है ये देखें, ये अभी ये ऑस्ट्रिच के एग्स जो है ना ऑलरेडी हम लोगों ने लगा दिए हुए हैं, ऊपर ग्लासें लगे, हां ये ग्लासें लगा हुआ है, ऊपर इनके फैन लगे हुए, इसके ऊपर हीटर लगे हुए, एलईडी लाइटें लगी हुई हैं, और ये बिल्कुल ऊपर वाला सिस्टम अलग है। 250 अंडे की मशीन आपने पहली दफा देखी होगी, इतनी बड़ी ये जब अंडे। अच्छा मैं शुरू से ही पूछता हूँ, ये कितने दिनों में अंडा निकलेगा? ये 40 से 45 दिन का इनका प्रोसीजर है, जो बिल्कुल अंडे जो एक्टिव होगा ना, मसलन जिसके अंदर बच्चा होगा वो तकरीबन 40 से 45 दिन के पहले ना, दो अच्छा पहले भी ट्रैक करते हैं। शकील भाई एक और चीज, ये कितने दिन आप ये रोटेट करते हैं और कितने दिन ये फिर आप 38 डेज जो से वो रोटेट होते हैं ना, इसके ऊपर हम डेटा मेंशन कर देते हैं, हाँ। तो अपने आप सिस्टम पे रख लेते हैं कि इस बैच में ये अंडे इतने रखे हुए हैं, तो कितनी ट्रे लगे हुए हैं उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करके इसको। अच्छा यानी कि 38 डेज के बाद आप इसमें रखेंगे? 38 डेज के बाद हम इसको यहाँ से लेंगे, ये नीचे ट्रे बनी हुई है, हाँ। ये देखेंगे ये वाली ट्रे। अच्छा अच्छा, ये ट्रे में हो गए, वहाँ फिर ना इसकी मूवमेंट नहीं होती, हाँ। एक स्किल होते हैं वहाँ, बच्चे ने ट्रैक करना होता है उसको चारों तरफ से ना ओपन मिल जाता है, क्योंकि अभी इसने यहाँ ट्रैक करना है, आगे ये एंगल लगे हुए जिसके ट्रैक नहीं होते। ये अंडे को हम ये देखे फाल का, ये मैंने पकड़ा, ये मैंने इस ट्रेन में रख दिया, अच्छा, ऐसे अच्छा। में रखूंगा ना इसको चारों तरफ से ना मिल गई है, हम हाँ। थोड़ा सा इसको मूवमेंट भी करते जाएंगे ऐसे ना हल्का सा रोटेट, और फिर वो बच्चा खुद क्रैक करके बाहर निकल जाएगा, रख देंगे। हाँ जी, अच्छा ये वही प्रोसीजर है जो दूसरे इनक्यूबेटर का है, मगर इसका टाइम पीरियड कुछ ज्यादा है, ये 38 डेज के बाद फिर यहाँ से रोटेट खत्म करके नॉर्मल कंडीशन में नीचे रख देंगे, फिर वो अंडा क्रैक करना शुरू हो जाएगा। बाकी यार ये देखें सारा ह्यूमिडिटी सिस्टम, फैंस वगैरह लगे हुए हैं सारा कुछ, और ज्यादा देर खोल नहीं सकते, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए खोला, तो शील भाई बंद कर दे आप। तो इंशाल्लाह शील भाई बताएं, अब बच्चे अंडे बुकिंग लोग करवाएं कि नहीं करवाएं? जी काफी लोगों ने करवा दी है, और आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों ने काफी करवाई है, जो है तो पाकिस्तान के ही है लेकिन आउट ऑफ कंट्री में है, वहां भी उन्होंने पेमेंट रही है, मैं ऑनलाइन करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके चिक्स बुकिंग हो रहे हैं, दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला इनके चिक्स मिलेंगे 1 मंथ की एज तक, तो अभी अंडे आने शुरू हो गए, अभी हम इनक्यूबेटर में रख रहे हैं। जिस भाई ने हमसे अंडे या बच्चे लेने हो या इसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो हमारा फार्म है शेखपुरा मोटर पे इंटरचेंज गुजरावाले रोड पे हमारा फार्म है, और हमारा नंबर है 0321-799-7005, इस नंबर पर रब्ता करके ये हमसे चिक्स बुक करवा सकते हैं आप। अच्छा यार इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, और अंडे बच्चे भी आप ले सकते हैं, तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी कुछ बताया करें ताकि मैं उसके रिलेटेड वीडियोस बनाया करूं। तो चले आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।